नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तुमको नहीं पता, साक्षी ने एमएस धोनी क्रिकेटर नॉलेज पर उठा दिए सवाल। माही रह गए थे भौचक्के। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गिनती क्रिकेटर की दुनिया में महान कप्तानों में होती है। उनकी विकेट कीपिंग के में भी खूब चर्चे होते हैं। उन्हें महान विकेट कीपरों में गिना जाता है। लेकिन धोनी की पत्नी साक्षी ने एक बार फिर उनकी विकेट कीपिंग और क्रिकेट नॉलेज पर सवाल उठा दिए थे। खुद धोनी ने इस बात का खुलासा किया है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते थे। साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने धोनी की कप्तानी में ही जीता था। इसके 4 साल बाद भारत ने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। वे भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। धोनी ने हाल ही में एक इवेंट में हिस्सा लिया था। इस इवेंट में धोनी ने एक किस्सा सुनाया जहां उनकी पत्नी ने धोनी की क्रिकेट नॉलेज पर सवाल खड़े कर दिए थे। धोनी ने बताया कि हम घर पर एक वनडे मैच खेल रहे थे, साक्षी भी मेरे साथ थी। आमतौर पर हम क्रिकेटर के बारे में बात नहीं करते। गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंकी थी और बल्लेबाज ने आगे निकलकर मारना चाहा था लेकिन चूक गया था और स्टैंप हो गया। मैदानी एम्पायर ने थर्ड एम्पायर का रुख किया। मेरी पत्नी ने कहा कि ये आउट नहीं है। तब तक बल्लेबाज जाने लगा था। साक्षी ने कहा कि उसे वापस बुलाएंगे क्योंकि बल्लेबाज वाइड गेंद पर आउट नहीं हो सकता। धोनी ने बताया कि मैंने कहा कि नहीं, वाइड गेंद पर स्टैंप किया जा सकता है लेकिन नो बॉल पर नहीं। फिर साक्षी ने कहा कि तुमको कुछ नहीं पता। जब तक ये बात चल रही थी बल्लेबाज बाउंड्री पर पहुंच चुका था। वह कह रही थी कि नहीं, वो उसे वापस बुलाएंगे लेकिन जब अगला बल्लेबाज आया तो उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। धोनी की विकेट कीपिंग की दुनिया तारीफ करती है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती बिजली से भी तेज है। उन्होंने कई बार ऐसी स्टंपिंग की है जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। धोनी ने अपनी विकेट कीपिंग से कई मैच पलटे हैं। उनके क्रिकेटिंग ब्रेन भी बेहतरीन है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज़, आपकी आवाज़।